पीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पात्र 2000 से अधिक शरणार्थी परिवारों को हो फ्री होल्ड भूमि दस्तावेज सौंपे हैं और इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य में शरणार्थी परिवारों के कब्जे वाली सभी जमीन को नियमित किया जाएगा। ममता ने कहा कि मतुआ सहित ही किसी भी शरणार्थी समुदाय को उसकी भूमि के लिए फ्री होल्ड दस्तावेज से वंचित नहीं रखा जाएगा। भूमि दस्तावेज रखने वाले एक भी शरणार्थी परिवार को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बंगाल में कम से कम 261 शरणार्थी कॉलोनियों को पहले ही नियमित किया गया है और बीते 3 वर्षों में ही 52,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए ही 27,000 पट्टे बांटे गए हैं। और नवंबर 2020 में ही उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में 1.25 लाख फ्री होल्ड भूमि दस्तावेज जारी किए जाएंगे और तृणमूल सरकार ने ही जाहिर तौर पर ही भाजपा को राजनीतिक लाभ पाने से रोकने के लिए ही शरणार्थी भूमि को नियमित करने और फ्री होल्ड जमीन दस्तावेज सौंपने का निर्णय लिया था, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के जरिए ही शरणार्थियों को ही लुभाने की उम्मीद कर रही थी। और दरअसल आपको ये भी बता दें कि सीएम ममता CAA के सख्त खिलाफ भी है और इसी कड़ी में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ही आयोजित दस्तावेज वितरण कार्यक्रम में ही तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ये आपकी जमीन के प्रति आपका अधिकार है और लंबे संघर्ष के बाद आपने अधिकार आखिरकार ये मुकाम हासिल किया है और राज्य सरकार के सभी शरणार्थी कॉलोनियों को कानूनी रूप से ही नियमित कर दिया गया है और उन जगहों से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। भूमि के लिए फ्री होल्ड दस्तावेज समय समय पर सौंपे जाएंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 58,077 नए केस सामने आए हैं और आपको बताते चलें कि 257 लोगों की मौत भी हो गई है और कल की तुलना में ही आज 13.4% कम मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,97,802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,177 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,13,31,168 लोगों अभी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों को करीब 172 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है और कल 48,18,867 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 172,69,51,432 डोज दी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को करोड़ से ज्यादा डोज जो है वो दी जा चुकी है और एहतियात टीके भी लगाए गए हैं और भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं, चुनाव कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका 10 जनवरी से लगना शुरू हुआ है।